गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम प्रारंभिक बाल देख रेख एवं शिक्षा के बारे में जानेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में ECCE के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, यानी कि शिशु शिक्षा से। 2 अक्टूबर 1975 को देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए थे। नर्सरी का अर्थ होता है पौधों की देखभाल करना। इसी प्रकार से हमें बच्चों की भी देखभाल करनी है और उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा या पूर्व प्राथमिक देखभाल या ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सन 2008 और 9 में 9,180 आंगनवाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण किया गया, जिसका उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालय के निकट खोले जाएं, जिससे क्या होगा कि जो भाई बहन हैं उनको शिशु शिक्षा की देखभाल से मुक्ति मिलेगी और भाई बहनों वो गो टू स्कूल, यानी वो स्कूल जाएं और जो शिशु हैं उनकी देखभाल आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जाएगी। सन 2009 और 10 में इसको स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम के नाम से जाना गया और विद्यालयों उन्मुखी कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसको कि स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम कहा गया। आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, सहायिका एक होती हैं, इसकी व्यवस्था की गई और वहाँ पर शिशुओं के शारीरिक, मानसिक और उनका भाषाई एवं सामाजिक विकास किया जाता है। क्रियाकलाप जो होते हैं वो होते हैं खेल, कहानी, गीत, वार्तालाप, भाषाई खेल और स्वच्छता। इस प्रकार के क्रियाकलाप वहाँ पर कराए जाते हैं। ECCE का कार्य क्षेत्र जो है वह है ECCE के लिए संसाधन की उपलब्धता, SCRT तथा डाइट का सहयोग एवं सहायता, आंगनबाड़ी एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों का विकास, पूर्व बालिकाल शिक्षा एवं सुरक्षा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।